बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मैं आज आपको एक और बहुत मज़ेदार वेजिटेबल की रेसिपी बता रही हूँ। ये तीसरी रेसिपी है भिंडी की जो मैं आपको बता रही हूँ। लोगों के पास एक एक दो दो रेसिपीज़ होती हैं, वो बताते हैं। मैं माशाल्लाह आप देखते जाइए कि एक एक सब्ज़ी आपको कितने कितनी तरह से बनाना बताती हूँ। ये तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून लिया है लहसुन, आधा कप तेल में, ठीक है। और इसके साथ मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ज़ीरा, आधा किलो भिंडी है मेरे पास। भिंडी इंशाल्लाह आपको 5-6 किस्म की बनाना सिखाऊंगी। बस इसको हम करेंगे फ्राई, ठीक है। जैसे गोल्डन हो जाए, बहुत मज़ेदार ये भिंडी बनती है। हमारे नेबर्स मायरा भाभी थी, वो बनाती थी, तो मैंने कुछ अपनी याददाश्त पे जोर दे दे के इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत उम्दा खाना पकाती थी वो, बहुत ही अच्छी खातून, बहुत उनको मिस करती हूँ। वो लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। ये भिंडी जो है हम अब जैसे इसके ही हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे भिंडी और साथ में डालेंगे आधा कप इमली का जूस, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे भिंडी का जो लस है ना, जो लेस निकलता है उसमें से, वो फौरन से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपको खुशबू आ रही होती तो इतनी उमदा लहसुन और ज़ीरे की खुशबू है के मज़ा आ जाए। ये आधा किलो भिंडी, ये देखिए मैंने कैसे काटी है, एक भिंडी के 4 या 5 हिस्से किए हैं, बहुत बारीक बारीक नहीं कटी हुई है, ठीक है। थोड़ी सी 1-1 इंच के, 1.5 इंच के पीस हैं। और ये साथ में मैं आधा कप के करीब डालूंगी इसमें भिंडी, ठीक है। अब तो थोड़ी देर करेंगे फ्राई, 1 से 1.5 मिनट, जब तक इमली का पानी खुश हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको, ये फ्राई हो जाए 5 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मटर पनीर। आप 1 टेबल स्पून डाल दें या 2 टीस्पून डाल दें, ये आपकी अपनी मर्जी, दोनों एक ही बात होती है। ये डाला, इसके साथ हमने डाला ये 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ठीक है। ये डाल दिया, इसको चलाया। बहुत जल्दी बनने वाली डिशेज हैं, सब्ज़ियाँ तो बस फटाफट ही तैयार हो जाती हैं। आज को किया थोड़ा धीमा, दो दरमियानी प्याज कच्ची, अब इस पर डालेंगे, ठीक है। ये बड़े मज़े की लगती है कच्ची प्याज जो है ना बीच में, और 2 हरी मिर्च, बस ज़्यादा नहीं, जितनी मिर्चें डालनी थी जो करना था वो हमने कर लिया। 2 हरी मिर्चें डालेंगे और इस पर लगा देंगे ढकना, ठीक है। बस प्याज को हल्का सा मिक्स करेंगे। ये देखिए भिंडी अपनी पूरी शेप के अंदर है, सब कुछ वैसी का वैसा है, ठीक है ना। अब इसको 5 से 7 मिनट दम करेंगे। मज़ेदार इमली वाली भिंडी तैयार, बहुत ही मज़े का टेस्ट है। मैंने ज़्यादा नमक रखा है, ठीक है। इसे बंद कर रहे हैं 5-7 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे, ठीक है। और 5-7 मिनट के बाद इसको मैं आपको दिखाती हूँ, इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी, सही। ये देखें ज़बरदस्त सी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार है।
आप लोग भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर किसी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।